मटको लानी मटको लानी, बलीचे आनी बलीचे आनी, चपकी नानी दिल भर जानी। है भाई अभी अच्छी अच्छी काफी हंसती थी। अरे अरे मेरी मतलब है? है? पापा से दुश्मनी है कोई आपका? गरा गरे पापा से दुश्मनी है कोई? है कभी पापा की नाक पकड़ते नाक है भाई? कभी पापा की नाक पकड़ते हो, कभी कान पकड़ते हो, कभी आंख फोड़ देते हो का पापा की? ऐसे बैठना पड़ेगा मुझे लग रहा है भाई। हाँ टुकुर टुकुर का देख ले, पापा फोन में दिखाई दे रहे हैं। ये कौन है पापा? पप्पा ए पप्पा ए पप्पा गोरी ए पप्पा ए पप्पा ए पापा, ये रे पापा, ये पापा ये गौरी, ये पापा ये गौरी है भी? हाँ 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 देख लो टाइम, आप लोग देखो टाइम 12:44, संडे हो चुका है यहाँ पर, राइट? देखो और इसको देखो, ये अपना म्यूजिक बजाने में मस्त हो रही है। नींद आ रही है अब यार जम्बाई नहीं आएगी तो क्या होगा? नींद रहती तो जम्बाई आती है। बैठ नहीं पा रही, वो टोपा भी उतार दिया है ना। अबे लग आराम से 2 मिनट बैठ जा। ये गौरी का टोपा हमेशा संभाल के रखना जब तक ये बड़ी होगी। इसी टाइम को तो कहते हैं असली खुशी। इस टाइम के लिए लोग तरस जाते हैं, तरस जाते हैं भाई। टोपा संभाल के रखना हमेशा, ये वाला टोपा दे। एक जुराब देखो, किसी को एक जुराब कहाँ फेंकी इसने? निन्नू आया है? भई आप लोगों से बात कर रही है इसलिए मैं चुप हूँ, तो आप लोग जवाब दे देना गौरी की बातों नहीं, का। वो म्यूजिक बजा रही है, गाना गा रही है, गाना सुना रही है आपको, कंपोज कर रही है, म्यूजिक कंपोज कर रही है। बस करो सोने दो यार। इसका म्यूजिक तो चलेगा अभी 2:30-3 बजे तक, देखते हैं सुबह क्या कर पाएंगे। बन ले ली, अब तू ले लो, तू तू ये लो, तू लो। देखो गौरी की मौसी ने क्या दिया है गौरी को, इतनी सारी चॉकलेट भेजी है, इतनी सारी, इतनी बड़ी खुशी आई है गौरी के लिए, पहली होली आई है ना। थैली थैली पकड़ो, थैली थैली पकड़ो, थैली लो। और उसको छोड़ देगी, उसको छोड़ दिया, तू को छोड़ दिया, थ्री पकड़ लिया, फोर पकड़ो, फोर पकड़ो, फोर 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 कैसे पकड़ोगे अब? कैसे पकड़ेंगे? एक पकड़ में नहीं आ रही। अरे होए ले नो, मुंह में नहीं बेटा, ये देखो भाई 1:07, फोल पकड़ो, फोल फोल पकड़ो, फोल थ्री
क्या कर लूं, मेरे को छोड़नी पड़ेगी भाई। चलो बंद करो डब्बा, बहुत हो गया। यहाँ मैं इसको गौरी को दवाई लगानी थी, इस वजह से इसको दिया था, बहुत ला मिला, चलो हो गया। बंद चलो करो, भाई बंद करो, चलो चलो बंद हो गई, 1:30 बज गया है, काम खत्म, पैसा आ डेढ़ जा। बज रहा है, मेरे मुझे सोना है यार भाई, छोने दे भाई, छोने दे। को यहाँ पर अंगूर किस तरीके से देती हूँ, ये मैंने 2 अंगूर लिए हुए हैं, जिसमें से गौरी को मैं एक दूंगी। मैंने इसको पहले अच्छे से धो लिया है, धोने के बाद में मैं इसको छील लूंगी, इसका जो ऊपर का छिलका होता है ये पूरा निकाल लूंगी। ये देखिए इस तरीके से ये छिल जाएगा पूरा, ये इसका छिलका जो है बड़े आराम से निकल जाता है, धीरे धीरे आप निकालेंगे, आप चाहे तो चाकू से भी निकाल सकते हो। ये देखो, और इसमें से ये हटा लूंगी मैं, और ये वाला छिलका जो है निकाल के अलग रख दूंगी। और ये मैंने लिया है, मैं इसे अदरक कसती हूँ, कद्दूकस होता है वो लिया हुआ है। आप चाहें तो छिलका निकाल के डायरेक्ट वैसे थोड़ा थोड़ा तोड़ करके खिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको ग्रेट करके दूंगी। देखो ये छिलके के साथ भी ग्रेड हो जाएगा, मैंने छील के आपको इसलिए बताया था, कभी कभी मैं उसको ऐसे ही बिना ग्रेड करे देती हूँ, तो ध्यान रखती हूँ थोड़ा थोड़ा करके देती हूँ। और यहाँ पर इसमें अंगूर का जूस भी आ जाएगा, और साथ में ये अच्छे से ग्रेड हो जाएगा, और छिलका आपका, ये देखो छिलका आपका ऊपर की तरफ ही रह जाएगा। इससे क्या है, छिलका अटकने की दिक्कत नहीं रहती है, आराम से खिलाया जाता है, छिलका यहाँ पर आराम से निकल गया है। तो ये देखो, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे निकल गया। आप कटोरी में निकालेंगे तो और अच्छा है, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के पर्पज से ये जो है मैंने इसमें निकाला है। और आप इसे चम्मच में करके दे सकते हो, एक अंगूर या 2 अंगूर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। मैंने आपको यहाँ पे 2 करके दिखाए हैं, जिसमें से मैं गौरी को, ये देखो मैं ध्यान और दिखा देती हूँ, जिसमें से मैं गौरी को 1 चम्मच दूंगी, मतलब इसका जूस वगैरह दूंगी मैं गौरी को, और वो अच्छे से पी लेगी, और बहुत इजीली, टाइम नहीं लगता है, आराम से बच्चा खा लेता है, पी लेता है, इसमें टेंशन वाली भी बात नहीं होती है कि मुंह में जाएगा। आप चाहें तो इसे छन्नी से छान करके दे सकते हैं, अगर आपको ये खाली इसका जूस ही देना है तो, अदरवाइज आप ऐसे भी दे सकते हो। ये देखो मैंने इसको बड़ी वाली चम्मच में निकाला है, मुझे इससे देना बहुत अच्छा लगता है गौरी को, और कंफर्टेबल रहता है, इधर उधर बिखरता नहीं है, और वो बहुत इजीली, क्योंकि जो ये वाला पोर्शन होता है गौरी को कटोरी का काम करता है ये, एक तरीके से, क्योंकि ये चीज़ बड़ी हो जाती है तो वो आराम से पी लेती है। और मैंने जूस इसमें निकाल लिया है, बाकी का मैंने प्लेट में छोड़ दिया है, अब मैं ये गौरी को दे दूंगी। तो देखो गौरी यहाँ पर बैठी हुई है, अभी मैं इसको पिलाऊंगी, किस तरीके से देती हूँ वो भी मैं दिखाऊंगी। बेटा हैंकी कहाँ है आपका, तो बस गौरी को इससे ज्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि मेरा 2 अंगूर का था ये देखो बच गया है, और कितने आराम से उसने पी लिया है ये, तो टेंशन नहीं होती है इसमें। गौरी का मैं आपको सामान दिखाती हूँ, देखो गौरी हंसी अभी है, यहाँ पे ना फैला हुआ है, क्योंकि गौरी का सामान जो आया है होली का वो यहीं पे रखा हुआ है। तो सिर्फ मैं यहाँ पर आपको गौरी के कपड़े दिखाने वाली हूँ, क्या क्या गौरी के कपड़े आए हैं होली के लिए, और किसने भेजे हैं मैं ये भी बताऊंगी, और गौरी की पहली होली है तो इस वजह से। हाँ आओगे आप, आ जाओ 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 जल्दी आओ। तो एक्चुअली यही मैंने वीडियो अपने वाले दूसरे चैनल पर भी बनाई है, तो उसका लिंक भी मैं, क्योंकि ये तो पहले से शायद ये वाली वीडियो पहले चली जाएगी तो उसका लिंक नहीं दे पाऊंगी। हाँ मैं उसका चैनल का नाम आपको नीचे दे दूंगी, तो वहाँ पर मैंने सारी अपने जो भी सामान आया वहाँ पर दिखाया है। ये गौरी का चैनल है तो यहाँ पर सिर्फ गौरी के ही चीज़ें मैं दिखाती हूँ। तो गौरी के लिए क्या आया है सबसे पहले मैं दिखाती हूँ।
गौरी के लिए एक ये फ्रॉक आई है जो कि गौरी की मौसी ने भेजी है। इसके पास पहले से ऐसी एक फ्रॉक है और ये बहुत कंफर्टेबल होती है, हॉजरी में है तो बहुत अच्छी रहती है, और ये वाइट कलर में, लाइट कलर में बच्चों के लिए अच्छा रहता है। और ये फ्रंट ओपन है, इस तरीके से फ्रंट ओपन है, यहाँ पे बटन लगे हुए हैं तो गर्मियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरा गौरी के लिए जो सबसे अच्छी ड्रेस आई है जो कि मेरे चैनल पर भी है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि मेरे लिए भी ऐसी है। तो गौरी के लिए कुछ हैंडमेड बनवाया है, ये है कुर्ता, ये गौरी के लिए बनवाया है होली के लिए। इसकी बाजू देखेंगे तो इस तरीके की है, थोड़ा लूज मैंने इसलिए बनवाया है क्योंकि अभी ठंड है, वैसे ही बहुत बड़े बच्चे को आएगा, ठंड है तो इनर डाला जाएगा नीचे, इस वजह से ये बड़ी है। गौरी बहुत आराम से सुन रही है मम्मा की बातें। तो यहाँ पर ये इसकी बाजू अम्ब्रेला बनाई है और इसमें पीछे की तरफ बटन लगाया है ताकि पहनाने में दिक्कत ना हो, और फ्रंट पे डिजाइन के लिए दो बटन लगाए हैं, साथ में ये लगाया है गोटा। और इसके साथ में क्या है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, इसके साथ में बनवाई है ये स्कर्ट, है तो बड़ी लेकिन चलेगी, मतलब अच्छी लगेगी पहनने के बाद में। तो इसमें ये लेस लगाई हुई है यहाँ पर, ये देख सकते हो, मतलब बहुत ही प्यारी है ये ड्रेस। और ये इसकी मामी ने बनाई है, हाँ थोड़ी सी अभी इसको ऐसे हो रखी है क्योंकि ये मैंने धोई थी आने के बाद में, धुली है और धुलने के बाद में अभी इस पे प्रेस करनी बाकी रह रही है, थोड़ी बहुत प्रेस कर चुकी थी लेकिन ये प्रेस करनी बाकी है। और ये ना कॉटन का है, सबसे बड़ी बात ग्लेस कॉटन है, थोड़ी शाइनिंग भी रहती है और कंफर्टेबल भी रहता है, चुभने वाला कपड़ा मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए था, इस वजह से मैंने यही प्रिफेयर किया कि मैं ये ही गौरी के लिए सिलवाऊंगी। और कलर और एक्चुअली क्या है ना, ये दीदी ने, दीदी की दुकान है कपड़े की तो वहीं से ये लिया हुआ है कपड़ा, तो एक ये हो चुका है गौरी के लिए। और एक गौरी की फ्रेंड के लिए आया है, जो गौरी की फ्रेंड अभी हुई है जो 1 मंथ की हो चुकी है, मैंने उसका नाम ब्रोकली रखा हुआ है, और ये उसके लिए है ये ड्रेस, ये देखो, ये भी गौरी की मौसी ने भेजी है। एक्चुअली मेरी जो होली है वो गौरी की मौसी की तरफ से आई है। तो यहाँ पर इसके साथ में जो है ना ये जीन्स है, ये देख सकते हो आप कितनी प्यारी सी छोटी सी जीन्स, इसमें दो पॉकेट है, इनको पसंद आ रही थी कि गौरी के लिए, मैंने कहा ये ब्रोकली के लिए आई है तो ब्रोकली के लिए ही जाएगी। और ये उसका नाम अभी एक्चुअली डिसाइड नहीं हुआ है, उसका नाम बी से निकला था तो मैं प्यार से उसको ब्रोकली बोलती हूँ इस वजह से, तो ये ड्रेस उसकी है। और बाकी का बहुत सारा सामान जो आया है वो मिलेगा मेरे दूसरे चैनल पर, ये गौरी का है, गौरी की फ्रेंड का है, इस वजह से मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया। और अभी जो है गौरी के लिए कुछ और सामान भी लाना है मेरे को, देखती हूँ मैं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगी, तो गौरी से मैं आपको मिलवाती हूँ। गौरी इधर आओ, गौरी इसको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ ना साथ के साथ, गौरी इधर आओ, ये तो मुझे सच में बहुत प्यारा लगा, गौरी इधर आओ बेटा, आओ लो इधर आओ,